चेहरे पर काला मास्क, आवाज में नरमी, जोशीला भाषण, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर की पढ़ाई, सपना बिहार को बेहतरीन बनाने का। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जोर आजमाइश शुरू हो गई है, सियासी बिसात में बिछड़ने लगी है। सियासी दल अपने अपने कुनबे को बढ़ाने में जुड़ गए हैं। सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर अभी से जातीय समीकरण सेट किए जाने लगे हैं। राज्य में एक तरफ जेडीयू की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार है तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन जिसमें आरजेडी और कांग्रेस शामिल है। चुनाव को लेकर नेता जमीन पर दिखने लगे हैं और इसी बीच पुष्पम प्रिया चौधरी की एंट्री फिर से हो गई है। उन्होंने एक चिट्ठी बिहार के नाम से लंबा चौड़ा पोस्ट किया। बिहार में पुष्पम प्रिया चौधरी पहली बार 2020 में चर्चा में आई थी। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया कोरोना काल से गुजर रही थी और कोरोना के समय में काफी एक्टिव भी रही, सियासत में कदम रखने का ऐलान भी किया और राजनीतिक मुद्दों पर मुखर भी नजर आई। सरकार को लेकर विपक्ष तक सियासत पर सवाल भी खड़ा किया। आज तक एक बार फिर से पुष्पम प्रिया चौधरी ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, बिहार की सियासत पर, अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि राजनीति में 4 साल का समय काफी छोटा होता है, इन 4 सालों में मेरे जीवन और आपके जीवन में कई बदलाव आए होंगे, लेकिन बिहार की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था जस के तस है। मैंने इसी व्यवस्था को बदलने का संकल्प लिया है। मेरे लिए राजनीति वैसी नहीं कि चलो कुछ नहीं कर पाए तो नेतागिरी ही कर लेते हैं। प्लूरल्स पार्टी की मुखिया पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि बिहार मेरे लिए उपहास का विषय नहीं बल्कि वो एम्पायर, वो साम्राज्य है जिसका परचम पूरी दुनिया में लहराया करता था। आज बिहार की विकास संबंधी रिपोर्ट के आंकड़े देखकर सर शर्म से झुक जाता है। बिहार को मैंने करीब से देखा है, जीवन का अधिकांश समय बिहार में ही बिताया है, बिहार को करीब से देखा और यहाँ काम किया, बिहार में रहकर बिहारी की क्या पीड़ा होती है उसे भी अनुभव किया। पुष्पम प्रिया ने कहा कि हमारी पार्टी का नाम प्लूरल्स इसलिए था क्योंकि उसमें ऐसे लोग थे जो खरीदे नहीं जा सकते थे, फंसाए नहीं जा सकते थे, बिहार के लोगों को जिसकी जितनी संख्या वोट बैंक से ज्यादा समझते थे। बिहार को केवल बदलाव की जरूरत नहीं बल्कि सार्थक बदलाव की जरूरत है। नई बोतल में पुरानी शराब बिहार के लिए खतरनाक है। जिनका कोई आदर्श नहीं होता वो बस मौका परस्त होते हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि पुष्पम प्रिया की इस भावुक चिट्ठी का असर कितना बिहार की जनता पर पड़ता है ये समय बताएगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।